क्वेश्चन है आपके पास, अगर रॉड ऐसे, ये रॉड गिवन है, रॉड की लेंथ अगर एल गिवन है एंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, फॉर्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर आपका एक्सिस सेंटर नहीं है, यहाँ पे है, टेंजेंट है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3। क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं, क्वेश्चन है सपोज ये एक्सिस है और ये रॉड है, ऐसे ये रॉड है ना, एक्सिस ऐसा है जैसा आप चाहते हो एम एल स्क्वायर बाई 3, ना ऐसा है जैसा आप चाहते हो एम एल स्क्वायर बाई 12, एक्सिस ऐसा है, मास रॉड का एम है, लेंथ रॉड की एल है, ये एक्सिस है, आई निकालो। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 3 लगेगा, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर अगर नहीं लगेगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एलिमेंट्स ही लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, कितना, डी एम, और जिसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स। इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से, ये रहा, और मुझे पता है कि अगर इसका मास डी एम है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। फिर कोई कहेगा सर अगला एलिमेंट, बिल्कुल अगला एलिमेंट लेना पड़ेगा, अगला एलिमेंट भी डीएम लेना पड़ेगा और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो किसी ने कहा तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है, पांचवे का अलग है, तो फिर हम क्या करनी पड़ेगी हमें, इंटीग्रेशन। तो पहले काम करते हैं, डीएम का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। इसके लिए इमेजिन कर लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा, साथ साथ ड्रॉ करें, ये एंगल कितना है, थीटा। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डी आई क्या बनेगी, स्मॉल मास इनटू, अब इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। कभी भी रॉड की प्रॉब्लम आए, आप कभी भी अपनी कॉपी चेक कर लेना, हमने रॉड की पहले भी प्रॉब्लम नोट की है, कभी भी रॉड की प्रॉब्लम आए तो उसका मास हमेशा लिया जाता है डीएम, स्मॉल लेंथ ली जाती है डीएक्स, और साथ में लिया जाता है ये एलिमेंट कितनी दूरी पे है, और मान लो ये कितनी दूरी पे है, एक्स। रॉड की प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड है ये, डीएम लेना, डीएक्स लेना और एक्स लेना, तो डीएम लिया, डीएक्स लिया और एक्स लिया, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ये एक्स एक्स डिस्टेंस पे ये स्मॉल एलिमेंट लिया तो ये क्या आ जाएगी, एक्स साइन थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स साइन थीटा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा, डीएम इंटू एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। तो डी आई की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, अब इसमें ये स्मॉल मास डीएम क्या होगा, बोलो कैसे निकलेगा, हमने पहले भी बहुत बार निकाला, डी डी एम बाय डीएम तो निकालना है, डीएम की फॉर्म में कैसे आया, एम बाय एल इंटू डी एक्स, ये तो स्टैंडर्ड है, एम बाय एल इंटू डी एक्स, ये तो हमने बहुत बार यूज किया था, हमने ऐसे भी किया था लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा का मतलब मास अपॉन लेंथ, और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो और छोटे बच्चे बन जाओ, कैसे, अगर लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाय एल है, और अगर डी एक्स है तो फिर एम बाय एल इंटू डी एक्स है, पर ये बता, जब कोई पूछे किसने सिखाया तो मैंने नहीं सिखाया बोल देना, क्योंकि फिर इसका टीचर ऐसे सिखाता अच्छा नहीं लगता, कि अगर मास एम है तो एल ले लेना या एल है तो एम ले लेना, ऐसा सिखाता अच्छा लगता है कि कंसिडर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये टर्म आ गई। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, डी आई इज इक्वल टू डी एम, डी एम की जगह कितना, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स इंटू साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर,
ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो ये लिखो एम बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो दोनों साइड्स की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या लगेगी, जीरो से लेके आई लगेगी और यहाँ पर जीरो से लेके एल लगेगी, क्योंकि एलिमेंट जीरो से लेके एल तक चल रहा है तो जीरो से लेके एल तक लगेगी। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से तो आई आ गया, अब बोलो कांस्टेंट कौन है, एम बाई एल कांस्टेंट बाहर आ गया। एक्स बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू डी एक्स है। क्या साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ सकता है, क्यों, थीटा कांस्टेंट है। हम मैंने कौन सा रॉड को मूव करवा रहा हूँ, कांस्टेंट है, तो ये एक फिक्स्ड एंगल पर ही रॉड है, ये मूव नहीं कर रही, तो बिल्कुल बाहर आ सकता है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ, जीरो से एल। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, एम एल साइन स्क्वायर थीटा एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो से लेके एल तक, और आई की वैल्यू आएगी एम बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल क्यूब बाई थ्री, ये कट जाएगा तो आंसर आएगा एम बाई थ्री तो इसके अंदर आई की ये वैल्यू आएगी। आज के बाद ये इंटीग्रेशंस करने की जरूरत क्या है, फॉर्मूला लिखो ना एक फॉर्मूला रजिस्टर में, अगर रॉड टेढ़ी है तो टेंजेंट वाला फॉर्मूला तो लगता ही लगता है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री पीछे क्या लग जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। इसका स्पेशल केस ये तो बन सकता है, अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 कर दूं, तो देखो 90 पे क्या हो जाएगा, ये रॉड हो जाएगी और ये एक्सिस हो जाएगा, ये थीटा 90 है तो साइन 91 है, तो आंसर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, टेंजेंट वाला फॉर्मूला निकल आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये जब कॉम्पिटिशन में आया तो आपको साइन ये हिट एंड ट्रायल भी करना चाहिए, ये नहीं है कि सीधा इंटीग्रेशन करनी शुरू कर दी, तो आप इसमें थीटा को स्पेशल केस बनाने की कोशिश करें। जैसे अगर मान लो मन में थीटा 90 है, जैसे कई ऑप्शन में कॉस स्क्वायर थीटा भी गिवन था, तो कॉस स्क्वायर हो नहीं सकता ना, क्योंकि कॉस ऑफ 90 जीरो हो जाएगा, आई तो जीरो होता ही नहीं किसी भी बॉडी का, जिसका मास है उसका आई तो होगा ही होगा, तो आप थीटा 90 पुट करके टेंजेंट के साथ मैच कर सकते हैं, और अगर नहीं शॉर्टकट चल पा रहा तो फिर ये तरीका तो है ही है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है सर, बोलो सर, अगर हम